अभी फिलहाल जो संसद के अंदर है, जो सिलसिला चल रहा है, वो शपथ ग्रहण का सिलसिला चल रहा है, लगभग कल से चल रहा है। कल 24 जून था और आज है 25 जून है। लेकिन अगर हम इस शपथ ग्रहण के अंदर का अगर बात करते हैं, आप लोगों ने वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे कि अगर पूर्व की बात करते हैं, 2014 के अंदर जब शपथ लेने गए थे सांसद, खास तौर से भाजपा के और भाजपा गठबंधन की बात करते हैं, और 2019 की, जैसे मोदी जी शपथ लेने गए तो नारेबाजी बहुत तेजी के साथ उसमें होने लगी। JSR के जो नारे है वो बहुत ज्यादा जोरों शोरों से लिया जाने लगा, पता ना कितने कितने नारे और बहुत शोरोगुल। लेकिन इस बार कितना बदला बदला सा नजर आ रहा है संसद के अंदर, और जो माहौल है बहुत ही खामोशी के साथ, एक तरीके से बोल सकते हैं जो भी जा रहे हैं सिर्फ थोड़ा सा ताली बेंच पर आवाज कर दे रहे हैं, बस वही। लेकिन हाव भाव भी आप देख सकते हैं कि पिछली बार के मुकाबले इस बार संसद के अंदर कितना बदलाव है। कलरफुल जो पहले जो पूरे संसद के अंदर भगवा ही भगवा भगवा ही भगवा नजर आता था, नारेबाजी होती थी, पता ना कितने कितने नारे लगते थे और बहुत शोरगुल होता था, हल्ला होता था। लेकिन इस बार वो कोई ऐसा चीज नहीं बाहर निकल कर आई संसद से जिसे लोगों को लगेगा कि हाँ भाजपा जो है वो किस स्थिति में सरकार चलाएगी इस बार। इस बार का जो लग रहा है सभी को यही, मतलब अभी तक के देखकर, आज जो शपथ ग्रहण का आज और कल का जो समय निकला है उसे देखकर यही लग रहा है कि बहुत ही शांति के साथ ये इस बार की सरकार जितने दिन भी चले बहुत ही शांति के साथ चलने वाली है। इसलिए क्योंकि जब संसद के अंदर आप देख सकते हैं कि कारपेट, ग्रीन कारपेट बिछाया गया है और भी बहुत सारे बदलाव, जैसे कि न्यूज़ पे भी देखते हैं कि मोदी जी के कपड़ा को लेकर बताया जाता है कि ग्रीन का कोट पहन कर आते हैं, कभी कुछ कपड़ों में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। और जो लोगों के, जो सांसदों के जो बोलने का जो तरीका होता है, हर जगह कुछ भी हो वहाँ एक जो नारा लगा दिया जाता है, हर जगह कुछ भी हो एक ही नारा रहता है, JSR का नारा होता है, उससे बहुत ही परहेज किया जा रहा है। और मोदी जी एक अलग नारा निकाले, मोदी जी एक अलग नारा के साथ चल रहे हैं, और चुनाव के बाद रिजल्ट आने के बाद, और ये शांति जी खामोशी जो बता रही है कि सरकार को चलाने के लिए कुछ भी जो है वो बर्दाश्त किया जा सकता है, कुछ भी मतलब उनको कंप्रोमाइज किया जा सकता है सरकार में रहने के लिए, सत्ता में रहने के लिए, प्रधानमंत्री के पद पर बैठने के लिए, और अपने जितने भी उनके पार्टी के नेता है, सहयोगी के नेता है, हो सकता है उनके तरफ से भी दबाव दिया गया हो कि शांतिपूर्वक सरकार को चलाने के लिए, या जो भी उनका इंटरनली अंदरूनी मसला हो। लेकिन रिजल्ट यही निकल कर बाहर आ रही है कि बहुत ही शांति के साथ सांसद लोग शपथ लेने के लिए जा रहे आ रहे हैं। और यही अगर पिछली बार की बात करते हैं तो आप लोगों ने वीडियोस बहुत सारे देखे होंगे जिसमें नारे ही नारे लगते थे, ऐसा लगता था अगर कोई छोटी पार्टी हो, और जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पिछली बार की अगर बात करते हैं तो वो शपथ लेने के लिए गए तो उनके जैसे वो खड़े हुए तो उन पर जोर शोर से नारा लगाना शुरू हो गया, और भी जो नेता खड़े होते थे विपक्ष के तो उन पर नारेबाजी शुरू हो जाती थी। लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं, एक तरीके से बोल सकते हैं तो विपक्ष हावी है सत्ता पक्ष पर। क्यों? वो खामोशी के साथ, वो संविधान लेकर पहुंचे हुए संसद के अंदर, वो संविधान को आराम से अपने चेयर पर बैठकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नारे भी लगे विपक्ष की तरफ से। जब प्रधान जी शिक्षा मंत्री है वो शपथ लेने गए तो उनके विरोध में कुछ नारे भी लगे जो कि विपक्ष की तरफ से, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष की तरफ से मतलब नारे लगाए जा रहे हैं, सत्ता पक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही। और वही 19 और 14 में देखे तो सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष को कितना कुचला कुचलने की, दबाने की कोशिश की जा रही थी, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था संसद के अंदर। जब भी बोलने का वक्त आता था तो नारे लगाकर उनको चुप करा दिया जाता था, लेकिन अब वैसा माहौल बिल्कुल नहीं है। अब हर चीज शांति के साथ किया जा रहा है, वोट भी शांति के साथ लिया जा रहा है।